नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। केन नदी पर मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्वक हुआ, माता की विदाई ढोल नगाड़े और डीजे के साथ संपन्न हुई। राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिसकर्मी तैनात। छतरपुर जिले में तमाम जगहों पर मूर्ति विसर्जन किया गया। हाईवे रोड 75 पर साईघाट केन नदी विजयदशमी के शुभ अवसर पर माता का विसर्जन किया गया, जहां पर राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस कर्मचारी तैनात रहे, जहां पर बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति का विसर्जन किया गया। जो आज केन नदी पर मूर्ति विसर्जन हो रही है, इसमें सर क्या व्यवस्था की गई? सर मूर्ति विसर्जन को लेकर के शांति समिति में हम लोगों के द्वारा जो योजना और रूपरेखा बनाई गई थी जी, उस हिसाब से राजस्व विभाग और पुलिस की टीम तथा पंचायत विभाग की टीम को लेकर के हम लोगों ने पूरी योजना बनाई। मूर्ति विसर्जन स्थल से 100 मीटर की दूरी पर मूर्तियों को हम लोगों के द्वारा रोका गया। वहाँ पर जो अनुष्ठान कार्यक्रम हुए, वहीं पे अनुष्ठान कार्यक्रम को करवा करके सिर्फ 2 या 3 लोगों को मूर्ति के विसर्जन के लिए अंतिम स्थल तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि मूर्ति विसर्जन स्थल पर भीड़ का प्रबंधन भी हो रहा है और अभी तक सुचारू रूप से ये अनुष्ठान संपादित हो रहा है। सर पिछले वर्षों की भांति यहाँ पर केन नदी में गोताखोर पार्टियों को बुलाया गया था, इस बार क्या वजह है जो सामने नहीं आ रही है? गोताखोर पार्टी हमारी है, हम लोगों ने प्रशिक्षित लोगों को यहाँ पर ड्यूटी भी लगा रखी है और वो स्थिति उत्पन्न भी नहीं होने की स्थिति में, क्योंकि इस बार जो पानी की स्थिति है, एक तो पानी का जल स्तर बहुत ही कम है, दूसरी चीज़ है कि क्योंकि प्लान पहले से है योजना का जी, तो वो हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से ही मूर्ति अंतिम स्थल तक पहुँच रही है। चलो।